بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين صلوات سورة براءة کلام مجید کا نواں سورہ ہے جس کی پہلی آیت کی تلاوت کی عزت حاصل کی گئی. قبل اس کے کہ اس سلسلے میں کوئی گفتگو ہو, چند بنیادی امور پر ایک مختصر سی تمہید لازم ہے, اور وہ یہ کہ ماہ مبارک رمضان میں اپنی تفسیر کی تقریروں میں اور 19ویں رمضان کو اسی امام بارگاہ میں اور پھر جمعۃ الوداع کی تقریر میں میں نے بعض اہم مسائل کی طرف اشارہ کیا تھا, اور جمعۃ الوداع کی تقریر میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ بعض ایسے اہم استدلال ہمارے مباحث میں باقی رہ جاتے ہیں جن کے لیے ایک مناسب وقت چاہیے, اور 8ویں شوال کی تقریر میں میں نے یہ اعلان کیا تھا کہ اس تقریر میں میں ان تمام مسائل پر گفتگو کروں گا. سب سے پہلے ایک بات جو ہمیشہ سننے والوں پر جس کو واضح ہو جانا چاہیے وہ یہ ہے کہ امیر المومنین اسد اللہ الغالب علی بن ابی طالب
हमने बड़े साहबजादे को एक खत के दौरान में यह तहरीर फरमाते हैं और यह जुमला वाकई अहम है। इरशाद होता है, लैसा तालिबुद्दीन मन खबता औ खलता। वो दीन का तालिब नहीं है जो खबते मजहब में मुब्तला हो या खलते मबहस का आदि हो। वो दीन का तालिब नहीं है जो मजहब को बहसियत जुनून के अख्तियार करे या मबाहिस को मिलाने की कोशिश करे। न खलते मबहस दीन है, न खबते मबहस मजहब दीन है। इसलिए हमेशा सुनते वक्त फिक्र को बाज अलायक से दूर रखना चाहिए कि हम सुन रहे हैं बहसियत एक जज के, हम सुन रहे हैं बहसियत एक ऐसे इंसान के जिसको शायद फैसला सुनाना पड़े कि हक क्या है और बातिल क्या है। इसलिए जहन को आईने की तरह से होना चाहिए, असबियतों से हटकर अपने जाती रुझानात और मैलानात और अवातिफ से दूर होकर यह सोचना चाहिए कि जो कुछ कहा जा रहा है वो कहां तक हक बजानी पड़े। अगर इस तरह से खलते मबहस न हो और खपते मजहब न हो तो फिर यह इरशाद मौलाए कायनात का सुनने के काबिल है। फरमाते हैं, इन अमरना सअब मुस्तसअब, हमारा अम्र दुश्वार है, दुश्वार तर बनाया गया है। हमारा अम्र दुश्वार है, दुश्वार तर बनाया गया है। इन अमरना सअब मुस्तसअब, उसमें सऊबतें हैं और सऊबतें पैदा की जा रही हैं, सऊबतों को तलब किया जा रहा है। ला यहतमिलुहा इल्ला मलकुन मुकर्रब औ नबीउन मुरसल औ मुमिनुन इम्तहनल्लाहु कल्बहु लिलईमान। उस अम्र विलायत को बर्दाश्त नहीं कर सकता मगर मलक मुकर्रब या नबी मुरसल या वो साहिब ईमान जिसके दिल का खुदा ने इम्तिहान ले लिया हो। सअबुन मुस्तसअब, हमारा अम्र दुश्वार है, दुश्वार तर बनाया गया है। अल्लामा मजलिसी ने आगाज बिहार में यानी किताबुल इल्म में इस इरशाद को तकरीबन तमाम अइम्मा से नकल किया है और उस पर बसीत बहस की है कि ये दुश्वार कैसे है अमर और दुश्वार तर कैसे हो जाता है, इसमें सऊबतें और क्या पैदा हो जाती है। अगर बुनियाद फिक्र ये रहे किसी मजलिस में आते हुए या फजाइल को सुनते हुए अगर बुनियाद फिक्र ये रहे कि ये अमर विलायत है, साब भी है, मुस्तसअब भी है, तो फिर फिक्र इंसान की खुद राहें निकाल लेती है और बोलने वाले की कमी को सोचने वाले की फिक्र पूरा कर देती है। इसलिए यह अम्र जो दुश्वार है और दुश्वार तर हो जाता है, इसको सही तौर पर समझना, उसके हकायक तक पहुंचना, उसके रुमूज को जानना और
मारिफत की गहराइयों तक पहुंचना उसी वक्त मुमकिन है जबकि जिसका अम्र है उसी से मदद ली जाए। इसके अलावा कोई सूरत नहीं, कोई सूरत नहीं। मासूम ने इरशाद फरमाया एक मकाम पर कि हमारे फजाइल हमारे अगियार से न लो, हमसे सुनो, हमारे गैरों से न पूछो फजीलत क्या है। इसलिए गैर जब कभी हमारी फजीलत बयान करने की कोशिश करेगा तो इस अपने बयान करने का वो हक भी बाकी रखेगा इस एतबार से कि इस मुबय्यन का आना यह है। इसलिए इस हकीकत को वाज़ह किया गया कि हमसे सुनो, हमसे पूछो, बजाय इसके कि अगियार से हमारे मुतालिक दरियाफ्त किया जाए। और जब आप खुद अपने मुतालिक गुफ्तगु फरमाते हैं तो इतनी वजाहत के साथ फिर उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं रहती है कि हम दूसरों से कुछ पूछें, कोई जरूरत ही नहीं। मशहूर वाकया है कि वाली शाम सैर करते हुए कूफे की मस्जिद को देखने के लिए और ये देखने के लिए कि इस असर कदीम को किस तरह से बाकी रखा गया है, वो कूफे की मस्जिद में पहुंचा। जैसे ही दरवाजे से दाखिल हुआ उसने दूर से मेहराब व मिंबर को देखा, काफी मजमा था जियारत करने वालों का। उसने यह देखा कि एक औरत उसके करीब खड़ी हुई है और दोनों हाथों को इस तरह से मिंबर की तरफ फैला दिया है और कह रही है कि आए वो जो आसमानों में मशहूर है, आए वो जो जमीनों में मशहूर है, आए वो कि जिसके फजाइल को छिपाने के लिए बादशाह ने जबाबेरा ने तमाम कोशिशें सर्फ की मगर उसकी जो फजीलत जिस मकाम पर थी मोहकम रही। उसने पलट के पूछा, या अमत अल्लाह, यह किसका जिक्र है? का मस्जिद कूफा में खड़े होकर पूछता है यह किसका जिक्र है? यह अली इब्ने अबी तालिब को है। तो जहां इस अम्र की जरूरत हमारे लिए बाकी नहीं रही कि हम किसी कोताही को या अपनी यकीन की किसी कमी को पूरा करने के लिए किसी और के पास जाएं, इसलिए कि ये जरूरतें तमामतर मुकम्मल कर दी गई हैं, फकत इसलिए कि विलायत या अम्र इमामत उसूल में है और उसूल को समझाना लाजिम था ताकि तकलीद न रहे, इफ़हाम व तफ़हीम हो, ताकि सिर्फ नक़ाली न रहे बल्कि अक्ल अपना फैसला सुना दे। ऐसे मौके पर कुछ मसाइल को इस तरह से वाज़ह किया कि अगर आप सब पर वो मसाइल वाज़ह हो जाएं तो यकीनन एक नई रोशनी को आप महसूस करेंगे और आप अपनी फिक्र को यकीनन उस रोशनी में पाएंगे जो रोशनी अनवारे मारिफत इमाम से हासिल होती है। 19वीं रमजान की तकरीर में मैंने यहां इस इमाम बारगाह में यह अर्ज किया था कि एक वक्त अली पर वो भी आया कि बादे वफाते रिसालत माँ आपके गले में रस्सी डालकर आपको खींचा गया।
یہ گفتگو میں نے یہاں کی تھی. ایک استدلال اس پر چاہیے تھا, اور استدلال میں امیر المومنین نے ایک خط لکھا ہے امیر شام کے نام, اور وہ خط عین ہی بجن سے ہی اور اپنے الفاظ میں یہ ہے, وقلت تو نے یہ کہا, انی کنت اقاد کما یقاد جمل المخشوش, اور تو نے یہ لکھا کہ علی کو اس طرح سے کھینچا گیا جس طرح سے بغاوت کرنے والے اونٹ کی ناک میں لکڑی کا ٹکڑا ڈال کے گھسیٹا جاتا ہے. وقلت انی کنت اقاد کما یقاد الجمل المخشوش حتی ابائے تاکہ میں اس کی بیعت کر لوں, ولیکن اردت لیکن یہ کہ تو نے ارادہ کیا, انتظم فمدحت تو نے ارادہ کیا میری مذمت کا مگر تو نے میری تعریف کر دی. یہ ہے مقام معرفت امام, جہاں امام خود اپنے آپ کو پہچانے. وقلت انی کنت اقاد کما یقاد الجمل المخشوش حتی ابائے واردت ان تضم فمدحت وتفضح فافتضحت, اور تو نے یہ چاہا کہ میری رسوائی ہو اور خود رسوا ہو گیا. اب پوچھئے تو کیا بات ہوئی. اب اس بنیادی اصل کو, اس اصول فکر کو علی پیش کر رہے ہیں تمام ائمہ کے لیے, تمام ائمہ کے لیے اس بنیادی فکر کو علی پیش کر رہے ہیں. فرماتے ہیں ما کان لمسلم من غزازۃ ان یکون مظلوما, کسی مسلم کے لیے یہ رسوائی نہیں ہے, کسی مسلم کے لیے یہ شرمندگی کا مقام نہیں ہے کہ دنیا اس کو مظلوم کہے. مجھے کھینچا گیا, مجھے دربار میں لایا گیا, مجھ سے بیعت چاہی گئی, میں انکار کر رہا تھا, تو نے چاہا کہ اس جملے سے میری توہین ہو. فاردت ان تضم فمدحت, تو نے تو میری تعریف کر دی, اس لیے تعریف کی کہ تو نے اعلان کر دیا کہ میں مظلوم ہوں. میں مظلوم. فاراد ان فاردت ان تضم ومدحت وتفضح فافتضحت, اور تو نے چاہا کہ میں رسوا ہو جاؤں, خود رسوا ہو گیا, اس لیے کہ ما کان لمسلم من, ما کان لمسلم من غزازۃ ان یکون مظلوما, کسی مسلمان کے لیے یہ رسوائی نہیں ہے کہ وہ مظلوم ہو. کہاں تک؟ ما لم یکن شاکاً فی دینہ ومرتاباً فی یقینہ, جب تک کہ دین میں اس کا یقین باقی ہے اور جب تک کہ اس کا یقین شک سے نہ بدل جائے اس وقت تک اس کا مظلوم رہنا ایک ہنر ہے, ایک صفت ہے, ایک کمال. کب تک؟ ما لم یکن شاکاً فی دینہ, اگر دین میں شک نہیں ہے, اگر یقین ریت سے نہیں بدلتا تو یہ مظلوم قابل قدر ہے. یعنی کس منزل پر پہنچایا؟ اس منزل پر پہنچایا کہ جس وقت مجھے کھینچا گیا تو یہ تو نہیں تھا کہ میرا یقین بدل گیا ہو, یہ تو نہیں تھا کہ میں جس کو جو سمجھ رہا تھا وہ اب نہ سمجھوں گا. یہ ایک پالیسی میکر تھا جو ابو الائمہ نے
आने वाले अइम्मा के लिए तय कर दिया, ताकि कोई कल ये न कहे तुमको तो शाम के दरबार में बुलाया गया, तुमको तो बगदाद में बुलाया गया था, तुमको तो खुरासान में बुलाया गया था, तुमको तो रास्तों पर खींचा गया था। अजीब बात यह, अमीर मोमिनीन ने जिस लफ्ज का इस्तेमाल किया अपने खुतबे में, इन्नी कुंतु उकादू, मुझे खींचा गया, ज़ैनुल आबिदीन ने इसी लफ्ज का इस्तेमाल किया और कहा उकादू ज़लीलन फी तमिश्किन कअन्नी। कुछ अंदाजा किया आपने इस फिक्र का? वही लफ्ज है जो दादा की जबान पर, वही पोते की जबान पर, यह बतलाने के लिए कि यह चाहते थे कि हमको जिल्लत दे, मगर यह पॉलिसी तय हो चुकी कि मजलूम रहने में जिल्लत नहीं है। देखिए कितने बड़े मसाले को हल किया गया कि जब तक इंसान अपने दीन पर आए और जब तक उसका यकीन रैब से नहीं बदलता, उसका मजलूम होना ही उसका कमाल, और इसमें कोई रुसवाई नहीं है, इसमें कोई आयब नहीं है। और इसको इस तरह से बयान करना कि किसी के आयब को जैसे कोई गिनवाता है, ये खुद खुद बयान करने वाले का सबसे बड़ा आयब है कि वो जालिम और मजलूम में तमीज नहीं करता। ये पॉलिसी मैटर था जिसको अबुल अइम्मा ने तय किया, और इस तरह से पता चला पहली मंजिल पर कि अमरना साबुन मुस्तसाब, हमारा अम्र कितना दुश्वार है। दुनिया ये समझ रही थी कि हमको खींच रहे हैं, और हम यह चाह रहे थे कि कदम अव्वल पर अपनी मजलूमियत का निशान गाड़ दे, ताकि जमाने के लामुतनाही सिलसिले पर मजलूम रह रह कर याद आए। और फिर उसके साथ आपने एक और अमर की वजाहत, मैं समझ रहा था कि इस पहले जुमले से मैंने अपनी 19वीं रमजान की तकरीर को वाज़ह कर दिया, अब यह दूसरा जुमला पेश कर रहा हूं, मगर उसके लिए थोड़ी सी तमहीद भी चाहिए। खुद अमीर मोमिनीन ने अपने को पहचानवाया, अपनी पॉलिसी को डिक्लेयर किया और इरशाद फरमाते हैं कि وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أحمر الباس وأهجم الناس, اور رسول کی یہ عادت تھی کہ جب جنگ خونین ہو جائے, احمر الباس یہ خاص اصطلاح ہے امیر المومنین کی لغت عرب میں اضافہ ہے, جب جنگ خونین ہو جائے और जंग का मैदान इंसानों से खाली नजर आ रहे और लोग मैदान को छोड़ने लगे, कदम अहला बैत ही वो वकातहिम अस्हाबहु, हर मौके पर रसूल ने अपने अहले बैत को जंग की हौलनाकियों में डालकर अपने अस्हाब को बचा लिया। ये इरशाद अमीर मोमिनीन है कि जब कभी जंग हौलनाकियों पर उतर आई, फवकाबहिम अस्हाबहु, अपने अस्हाब को बचाने के लिए अहले बैत को जंग की हौलनाकियों में झोंक दिया, यानी रसूल अपने अस्हाब का बड़ा ख्याल करते थे, बड़ा पाक ये जानते थे कि ये बनी अबीस हैं, ये बनी तीम से, ये बनी असद से, ये बनी हौजन से,
कल के दिन रसूल के बाद जिन में से कोई यह न कहे कि जब कभी मुसीबत आई है हमारे कबीले पर भरोसा किया था, हमने साथ दिया था, हमारे कबीले के हलीफ ने साथ दिया था, हमारे दोस्तों ने साथ दिया था, किसी की मजाल न थी कि बाद खत्म रसूल और बाद शहादत रसूल और आज तक किसी ने यह दावा नहीं किया कि हमारे कबीले ने बचाया, किसी ने यह नहीं कहा अपने बच्चों को बचा ले गए हमको झोंक दिया, किसी ने यह नहीं कहा कि अपनी बेटी की औलाद को या अपने बेटी के शौहर को महफूज कर लिया, बनी अदी को झोंक दिया, बनी तीम को झोंक दिया, दूसरे कबाइल को इजाजत दे दी जाओ लो। इरशाद फरमाते ऐसा नहीं हुआ, कान रसूलुल्लाह यानी आदत थी रसूल की, इज़ा अहमरल बासू वो अहजमन नासू, जब जंग खूनीन हो जाती और लाठियों पर उतर आती और जब लोग किनारा कश होने लगते जंग से, तो अहले बैत को हुक्म होता तुम जाओ, वका बेहिम अस्हाबहू और अपने अस्हाब को बचा लेते अहले बैत को जंग में भेजकर, अस्हाब को बचा लेते, जाने बचाई अस्हाब की रसूल ने, अहले बैत को भेजा, अहले बैत को भेजा। अब इस जुमले के बाद अली की पूरी जिंदगी, इस जुमले के बाद, अभी मैंने इस खुतबे को खत्म नहीं किया है, मैं यहां रुक रहा हूं, इस जुमले के बाद अली की पूरी जिंदगी, पूरी जिंदगी और बिला खतर, बिला खतर ऐलान यह कहते हुए कि कितना एहतराम फरमाते थे असहाब का, हिजरत की रात सहाबी को लिया असहाब कि कहीं तलवारों के नीचे ना आ जाए, बचाना था उसको, अली तुम सो जाओ बिस्तर, तुम सो जाओ बिस्तर पर, फवका बहिम असहाबहू, सुलाया इनको, साथ लिया उनको। दुनिया यह समझती रही कि बड़ी फजीलत है, रसूल यह कहते रहे हमारी बसीरत को क्या जानोगे, हमारी बसीरत को क्या पहचानोगे, तुम्हारे फजाइल का ऐलान सही मगर हमारे साथ आओ, हमारे साथ, इसलिए कि बड़ा खतरा है, बड़ा खतरा है, वक्त से पहले अगर चादर चेहरे से हट जाए तो दोनों के लिए तबाही है, जो सोया उसकी भी मौत, जो हिजरत करके चला उसका भी ताकुब, इतनी देर सोए और इतनी देर सुकून के साथ रहे कि हम उस गार तक पहुंच जाएं, कि जो गार हमारा भी तारुफ करे, हमारे सहाबी का भी तारुफ करवाए कि हम किसको लेके चले थे, سکون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اذا احمر الباس، جب کبھی ہولناکی کی کیفیت طاری ہوتی، جب کبھی جنگ اپنے کراول پر ہو، قدم اہل بیت اپنے گھر والوں کو بھیج دیتے،
कि तुम आगे बढ़ो। हिजरत से पहले और कामिल 11 बरस गुजर चुके हैं ऐलान-ए-नबुव्वत को। किसी का रसूल ने एहसान लिया, किसी को यह कहने का मौका दिया कि मक्के में हमने यूं हिफाजत की थी। तारीख-ए-इस्लाम में कहीं यह कहा गया, किसी मौर्रिख ने इस्लाम की तारीख लिखते हुए किसी को यह क्रेडिट दिया कि इस कबीले ने बचाया, उस कबीले ने बचाया, उस कबीले ने हिफाजत की, यह कबीला उस कबीले का हलीफ था, यह कबीले ने उस कबीले से वादा किया था, इसलिए सब रसूल को बचाते रहे। किसा सारे कबीले अलग थे, शाह फरदे अमीर उल्मोमिनीन खुश में हुए, उनकी मौत से आमन था, इस उनके हर कबीले का कबीला हलीफ था, हर दूसरे कबीले हलीफ था, यानी एक मौत कई कबीलों की शुरू होती थी। पूरा सलमान हुए सब मौत, हम पर हमला न करते हुए कि इनके लिए इतने कबाइल हलून से आदमी और उनकी उल्लकिया, इसलिए कि क़यामत तक मेरी औलाद परेशान रहेंगे। यह कि हमारे दशान तुम्हारे यह शान तुम्हारे घर पर यह शान था, किसी की मदद मिली तो ना काफी रहे। कहा सही चीज वही है, न कोई हलीफ है। अब एक नए लफ्ज़ का इजाफा है, जिसका न कोई हलीफ है न कोई मुआहिद है। मीम आइन अलिफ है दाल, यानी आपस में कोई अहद भी नहीं है कि तुमको तकलीफ हो तो हम मदद देंगे। न कोई हलीफ है न कोई मुआहिद है, न किसी से उसने यह वादा किया है कि तुम मेरी अगर मदद करो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। नहीं, वो अकेला है, वो अकेला है और मुहाफिज है, मुहाफिज। रहलत अबू तालिब के वक्त दोनों आंखों से रसूल के आंसू बह रहे थे और कहते थे चाचा जान बचपन में पाला, जवानी में हिफाजत की, और अब जब अपनी नुबत के ऐलान के वक्त आपके पास आ चुका हूं, आप किला छोड़ दें, किला छोड़ चाचा, आप ला छोड़ रसूल है हाथ अबू तालिब की वजह। नहीं एहसान नहीं, तो रसूल की आदत है जब जंग फैलती शिद्दत इख्तियार कर, अहले बैत को भेज देते जाओ, तुम यहां रहो, तुम जाओ। यही वजह है कि जब मदीना आए और जंग बदर छिड़ी और हजरत उस्मान गनी साथ में, तो फरमाया तुम न जाना, तुम अरीशे में मेरे पास बैठो, तुम यहां बैठो, अली तुम जाओ। तुम जाओ ताकि कोई ये न कहे कि सामने बनी उमैया के सरदार आ रहे हैं, मैंने उनके कबीले से एक आदमी को भेज दिया, मैं ऐसा न करूंगा। बद्र की लड़ाई अब इसके बाद इच्छा कि जब जंग की हौलनाकी हो, अहले बैत को भेज हिम अब और अपने अस्थाब की हिफाजत करते अहले बैत को जंग भेज कर सुना उबई वो कुतला हमजा यौम उहदिन वो कुतला जाफर यौम मूतन, यानी बद्र में हमजा बद्र में उबैदा कत्ल हो गए, उहद में हमजा करीब कत्ल हो गए, जंग मूता में जाफर कत्ल हो गए। और अगर तुम चाहो तो मैं उसका नाम लूं जो इन्हीं शहीदों के साथ बार बार अपनी शहादत भी चाहता था, मगर क्या करूं वो मजबूर रह गया, उनका पहले आ गया और मेरा वक्त अभी नहीं आ रहा।
यानी मुहकम किया बयान कि बद्र में चचाजाद भाई मारा गया, उहद में चचा मारा गया, जंगे मूता में भाई भाभी, और इस तरह से पहली हिजरी से लेकर मुसलसल फतेह मक्का तक जब कभी जंग के शोले भड़के, जाओ अली इसके सिवा और कोई नहीं है, कोई नहीं, ये नहीं क्या किसी और को लड़ना नहीं आता था, ये मैं नहीं कहूंगा, ये नहीं कि कोई और बहादुर न था, मैं ये नहीं कहूंगा, ये नहीं कि कोई बुजदिल था, मैं ये नहीं कहूंगा, फकत यही कि रसूल किसी का एहसान नहीं चाहते थे इस्लाम पर। इस्लाम पर एहसान नहीं चाहते थे कि बद्र को हमने फतह किया, उहद को हमने फतह किया, खैबर को हमने फतह किया, खंदक को हमने सर किया, नहीं नहीं, तुम जाओ अब अल्लाह मालिक। अम्र इब्ने अब्दवत के मुकाबले में भेजते हुए आंखें एक मर्तबा नम हुई, दोनों हाथों को बारगाह रब्बुल इज्जत में बुलंद किया, परवरदिगार बद्र में तूने उबैदा को ले लिया, उबैदा तुमने हारिस इब्ने अब्दुल मुत्तलिब चचा के बेटे, उहद में हमजा को ले लिया, परवरदिगार ये अम्र इब्ने अब्दवत के मुकाबले में जा रहा है, इसकी इतनी हिफाजत तो कर ले कि ये इज्जत रह जाए इस्लाम, इस दुआ के साथ भेजा। अब अगर तारीख के लिखने वाले तारीख के धारे को बदलना चाहें तो ये तो नहीं कह सकते कि फातह कोई और था, कहते यही है कि बेफजल खुदा फतह हो गई। तो अब जिस उन्वान से भी इस मकसद को अदा किया जाए उसको कबूल करने के लिए हम इसलिए तैयार हैं कि पॉलिसी को तो क्लियर कर दिया अली ने कि जब आएगी मुसीबत इस्लाम तो यही घराना आगे होगा, कदमा अहले बैत ही अहले बैत को भेजा बद्र में, उहद में, खैबर में, खंदक, तलवार की छनकार क्यों भेजा? इरशाद फरमाते हैं फवका बेहिम अस्हाबहु मिन हर्रिस फुयूकवल असिन्ना, तलवारों की बाढ़ से बचाया, नैज़ों की अनियों से बचाया। इससे बढ़ के कोई और वाज़े गुफ्तगू हो सकती थी? मतलब ये कोई ये भी न कह सका अली के इस खुतबे के बाद कि हम फुलां जंग में जख्मी हुए थे, ये पेशानी पर जख्म है, ये सीने पर जख्म है, नहीं हमने बचाया, तलवारों से हमने बचाया, नहरों से हमने बचाया। उहद में अली जख्मी हुए थे, 72 जख्म थे, 72 जख्म थे, और 7 अलमदार कट चुके थे लश्कर मुखालिफ के, और जख्मों के बावजूद मुसलसल तलवार चल रही थी, मलक पुकार रहा था ला फतह इल्ला अली ला फतह। मुखालिब के अलमबरदारान लश्कर मुसलसल कत्ल हो रहे थे, आखिर में पॉलिसी बनाने वालों ने कहा अलम औरत के हाथ में दे दो, पहली औरत लश्कर कुफार में अलम को लेके आगे बढ़ी, अली ने मुंह मोड़ लिया।
अब ये ओहद हो के जमल। यहां पॉलिसी नहीं बदलती, यहां मसलहतों के ताबे मिजाज नहीं है, यहां उसूल है। ओहद, बद, खैबर, खंदक, लकद नसरकुमुल्लाह फी मवातिन कसीरा, अल्लाह ने कसीर मुकामात से तुम्हारी मदद की। अब जो गिना तो 87 गज़वे 87, और किसी मकाम पे कोई ये ना कह सका कि हमारा ये एहसान है, न कबले हिजरत न बादे हिजरत, न कबले हिजरत न बादे। ये था वो मौका कि जहां गुफ्तगू थी अकलियत से अक्सरियत के टकराव, मगर एक वक्त ऐसा भी आया अहदे नबूवत जहां ताकत कुव्वत अस्करियत असलहा सवारियां सब रसूल के साथ, सब रसूल के साथ थी, 12,000 तलवारें खिंची हुई थी, फतह मक्का 8 हिजरी। फतह मक्का 8, और ऐसे मौके पर जाहिर अमन का वक्त है, अमान का वक्त है, किसी के लिए भी ये नहीं है कि लड़ाई होगी, कम अज कम अब वक्त था किसी किसी और को कुछ कह देते कि तुम जाओ ये फरीजा अदा करो, अब तो जंग नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं था, वहां भी एक खतर था, वहां खतर हर जंग से ज्यादा था, बद्र से ज्यादा, उहद से ज्यादा, खैबर से ज्यादा, खंदक वह सबसे बड़ा खतर था। इसलिए कि फकत मक्के को फतह करना नहीं है, बल्कि कबाइल की असबियतों के बुतों को तोड़ना है। हर कबीले का एक बुत है, कोई लात की परस्तिश कर रहा था, कोई मनात की परस्तिश कर रहा था, कोई उज्जा की परस्तिश कर रहा था, सारे कबाइल मिलके उस बुत कबीर हुबल की परस्तिश कर रहे थे। कबीले का कबीला हलीफ था, कबीले का कबीला मुआहिद था, कोई 3 महीने इस बुत की परस्तिश करता, कोई 3 महीने फिर उस बुत की परस्तिश करता, वो कबीला फिर आके इस बुत के सामने इबादत करता। इस तरह से बुतों की परस्तिश में भी मुआहिदे थे, हलफनामे हो चुके थे। ऐसे में फिर देखा कि कतर इतना ज्यादा है कि जो बुत तोड़ेगा, अगरचे बुत परस्त मुसलमान हो जाएंगे, मगर नस्लों में यह बात दिलों में जाएगी। हमारे बुजुर्गों को रुसवा किया, हमारे खुदाओं को रुसवा किया, हमारे माबूदों की तौहीन की, अब कौन आए? चलो अली, हाँ तुम आओ, ये भी वक्त यही है, खतरे का वक्त है, अब तुम। इसलिए कि सारे सरदारान कबाइल की निगाहें लगी हुई हैं कि देखे कौन जाता है। रसूल की शुजात का क्या कहना, जब अकेले थे तो शुजात थे, जब अकेले पुकार रहे थे इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम तो रसूल के दिल में डर न था। आज भी रसूल बेखौफ, यानी रसूल से कोई यह नहीं कह सकता लातहज़न, रसूल कह सकते हैं लातहज़न। रसूल के लिए हुज़्न का मकाम कहां है? हुज़्न को तो जानते हो ना, यानी माजी के अमल पर हुज़्न होता है, आइंदा की बातों पर खौफ होता है। वली की तारीफ यह है, अलाउ इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना उनको माजी का हुज़्न है ना मुस्तकबल का खौफ, तन्हा है। आओ तुम आ जाओ, बुत शिकनी बड़ा कारनामा है, बड़े खतरे को मोल लिया, बड़े खतरे को, और दुनिया को बतलाया
कि जिस जिसको हौसला हो बदला ले लेने का ले 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 ले। फिर मैंने हदफ बनाया है अपने घर वालों को। सरदारा ने कबाइल को कत्ल किया है मेरे घर वालों ने, कुफार को कत्ल किया है मेरे घर वालों ने, अलम बरदारों ने लश्कर कुफर को कत्ल किया है मेरे घर वालों, और तुम्हारे माबूदों के सर तोड़े हैं मेरे घर वालों। ले लो, बदला लेना है तो ले लो, कोई और कबीला तैयार नहीं होगा। इस बदले के लिए किसी और कबीले में ताकत नहीं है। वो इस्लाम को छोड़ देगा, मुझे इस दीन की जरूरत नहीं जिसमें यह बदला लिया जाता हो। नहीं, वही मुनकता हो गई। लेकिन इन लजीन कालू रब्बुन अल्लाह ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه, जो ये कहते हैं कि अल्लाह हमारा रब है और इस्तकामत करते हैं, वहां मलाइका हर आन नाजिल होते रहते हैं। वहां एक फरिश्ते की गुफ्तगू नहीं है, हजारों फरिश्ते हैं। नुज़ूल मलक लाजिम है। बुत शिकनी बड़ी जंग थी, बड़ी जंग, खतरा टल। कौन सा सन हिजरत है? 8। कबल हिजरत 12 साल बाप और बेटों ने हिफाजत। बाद हिजरत ये 8 बरस गुजरे, अब 9 साल आ रहा है। दुनिया की निगाहें लगी हुई है कि जो साल आता है, जो नया साल आता है, पैगंबर एक अजीब अपनी बसीरत से इकदाम फरमाते हैं और एक अजीब किस्म से तआरुफ करते हैं और इस तरह से पेश करते हैं कि दुनिया की ताकतें अगर अपने लिए दुनिया की सल्तनतें रख लें और ये अशका तनहा हो जाए तो फिर भी दुनिया के कुलूब इन्हीं की तरफ खींचेंगे। ये फैसला करता है। ऐसे में हिजरत का 9वां साल आया। 9वां साल आया, मुहर्रम गुजरा, सफर गुजरा, रबीउल अव्वल और रबीउस सानी के महीने में, जुमाद अलूला और जुमाद अलुखरा के महीने में, रजब में बेचैनी शुरू, और बराबर ऐलान आते रहे कि मुशरिकीन कुव्वत पकड़ो हैं और कहने कि हमसे तो रसूल ने मुआहदा कर रखा है कि वो हमारे जान और माल के मुहाफिज, कोई हमारे साथ बदतमीजी न करे, तौहीन न करे, वरना शिर्क की दुनिया मुत्तहिद होकर रसूल के खिलाफ एक मरतबा आखिरी जंग कर ले। रजब में इत्तला, शाबान में इत्तला, रमजान में आपने तय किया कि अच्छा कुछ हम तय करेंगे, यहां तक के ऐलान-ए-हज। ऐलान-ए-हज हुआ और जैसे ऐलान-ए-हज हुआ सूरह बरात नाजिल हुआ। अब एक एक लफ्ज आप गौर करें, सूरह बरात नाजिल। सूरह बरात का खुलासा यह है कि पैगंबर इस्लाम एक पॉलिसी मैटर को डील कर रहे हैं अपने जिंदगी के आखिरी लम्हों में, और ये ऐलान करने वाले हैं कि आज से इसके बाद मुसलमानों को मुशरिकीन से कोई रब्त नहीं रहेगा। ये ऐलान करने वाले हैं कि मुशरिकीन के सरदार ये समझ लें कि इस्लाम के मालिक ने जिन जिन से जो मुआहदा किया है वो 4 महीने के बाद अब बाकी नहीं रहेगा। ये ऐलान करने वाले हैं कि जितने सरदारों ने मुशरिकीन है सब 4 महीने के बाद कत्ल कर दिए जाएंगे। और इस तरह से सूरह बरात की इब्तदाई आयतें इस जलाल के साथ आई, इस जलाल के साथ आई कि जिसमें रहमत का उन्वान नहीं, जिसमें जिक्र रहमत नहीं, और एक मरतबा बरातुम में अल्लाह व रसूल इला लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन, जिन जिन मुशरिकीन से तुमने वादा किया है उनसे कह दो कि अल्लाह बेदार है, रसूल बेदार है। अब हमने अपनी हिफाजत को खत्म कर, अब तुम हमारी हिफाजत में नहीं। ये वो पॉइंट
یہ وہ منزل تھا کہ امیر المومنین کے اس جملے کو سمجھنے کے لیے لازمی تھا بصیرت رسول پر کہ یہ اقدام ہو کہ جب کبھی جنگ بھر کی ہے رسول نے اہل بیت کو بھیج کر اصحاب کو بچایا. اب اس کا پروف دینا تھا رسول کا, تم جاؤ حضرت ابو بکر کو بھیجا, تم جاؤ آیتوں کو لے جاؤ, سنو سمجھو, مشرکین کے خلاف اعلان ہے, تلواریں کھینچیں, عجب نہیں کہ حملہ ہو جائے, عجب نہیں کہ تیور بدل جائے, میں نہیں رہوں گا, اکیلے اعلان کرنا ہے, اکیلے اعلان کرنا ہے. میں بدر میں تھا, میں احد میں تھا, میں خیبر میں تھا, میں خندق میں تھا, مختلف لڑائیوں میں میں تھا, میں نہیں رہوں گا, جاؤ اعلان. وہ چلے, وہ چلے, وہی آئی, وہی آئی, لا یودی انکا الا انت او رجل منکا. اس تبلیغ کو کوئی پورا نہیں کر سکتا, یا تو یا وہ جو تجھ سے ہو. انت او رجل من, یا آپ جائیں, یا آپ جائیں, آپ جائیں تو عذر نہیں ہے, حق ادا ہو گیا, یا پھر آپ نہیں جاتے تو وہ جائے جو آپ کی منیت پر فائز, آپ کی منیت پر فائز. 43 مفسرین نے اسلام کے اتفاق کیا, کسی نے اختلاف نہیں کیا, اختلاف جس امر پہ ہوا وہ بھی اثر ہوا. یعنی ادھر آؤ, یہ تو مسئلہ بڑا مہم, بڑی اہم بات, جاؤ جاؤ برات کی آیتیں لے لو, تم پہنچو, تم پہنچو. اللہ کے رسول, آپ کا حکم ہے, آپ کا حکم ہے, یہ نہیں کہ کوئی ڈائریکشن دینا ہے, بس جاؤ تم پہنچاؤ, تم مزاج سے واقف ہو, تبلیغ کی حقیقت جانتے ہو, اعلان کا مقصد جانتے ہو, تم نے برات کے مدعا سے واقف ہو. مشرکین کے ساتھ میری پالیسی کیا رہے گی تم اس کو جانتے ہو, یعنی یہ آخری منزل ہے, جو پالیسی آج ہوگی کعبے کے متعلق اس کو قیامت تک جانا ہے. پالیسی کو آج ڈکلیئر کر رہا ہوں, یہ 9 ہجری کے لیے نہیں ہے, یہ قیامت تک کے لیے کعبے کے ساتھ وابستہ. براتم من اللہ ورسول الى الذین آہدتم من المشرکین واذان من اللہ ورسول الى الناس یوم الحج الاکبر ان اللہ بریء من المشرکین ورسوله. اور آزادی جائے, آزادی جائے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے, کہاں؟ مکے میں. کب؟ حج اکبر کے موقع. آزادی جائے, آزادی اور ارکان نہیں, کوئی اور رکن ادا نہیں, یہ توحید کی گواہی ہے, یہ نبوت کی گواہی ہے, یہ نماز کی طرف بلانا ہے, یہ نیکی کی طرف بلانا ہے, یہ بہترین عمل کی طرف بلانا ہے, نہیں, ایک ہی رکن ہے, اس شان کی ادا ایک ہی رکن ہے, اور وہ یہ کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بری. اب اپنی جانوں کو بچا لو. کسی نے کہا 13 آیا, کسی نے کہا 32, کسی نے کہا 40. تلاوت قرآن کا جن کو شوق ہو 40ویں آیت تک پڑھ کے دیکھیں کہ کیا کیا ہے. گئے راستے میں, کہا وہ سورہ دے دیجیے, سبوں نے لکھا. کہتوں تم امیر بن کے آئے ہو یا مامور بن,
कहा मुझे अमीरी और मामूरियत से कोई वास्ता नहीं है, मैं जानता ही नहीं हूं ये अमीरी क्या है और मामूरियत क्या। जाहिर है जो हर हाल में अमीर हो उसके लिए ये सवाल ही अजीब था। कहा मुझे अमीरी या तो मामूरियत से काम नहीं है, वही चाहता हूं, वो वही हमको दे, वो वही हमको दे, हमको सुनाना है, पहली मरतबा ऐलान करना है। इख्तलाफ यही है कि ये वापस आए और पूछा मुझसे खता नहीं करे, खता नहीं गलती नहीं, हुक्म खुदा से मजबूर था, हुक्म खुदा ही हूं। देखिए ये एहतराम, ये इज्जत, ये रफत, ये मकाम का तायुन, अब उनसे बढ़ के अल्फाज के लिए कम से कम मैं अपने पास सलाहियत नहीं पाता कि किस तरह से हिफाजत की, का कोई खता नहीं है, कोई गलती नहीं, मगर मैं क्या करूं, वही से मजबूर, वही से मजबूर। तो जिसका नुत्ख पहले ही से वही हो उसको खबर न थी कि ये जा रहे हैं वापिस आना है, नहीं खबर थी, खबर थी। अब वो वक्त आ चुका था कि अब पहचनवाएं, पहचनवाएं कि जान के मैदान में अहले बैत को भेज के बचाया, ये तबलीग का मैदान जन से कम नहीं, अब भी बचा रहा हूं, अब भी बचा रहा हूं, इसलिए कि अब तक कुरैश से तवक्को है कि वो मेरे घर वालों से बदला लेंगे, अब आज के बाद मुशरिकीन को भी इजाजत दे दी है कि जिसका दिल चाहे हौसला निकाल ले और मेरी औलाद से बदला ले ले, मुझे फिक्र नहीं। मैं चाहता हूं कि इस मंजिल के बाद अगरचे आप पूरी तवज्जो के साथ मुझे सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी अब कोई लफ्ज दिमाग से दूर ना हो। साहिब कशाफ ने कहा, कुर्तुबी ने कहा, जलालुद्दीन सुयूती ने कहा कि अमीर हज तो वही रहे, आयतें इनको दे दी। हजरत अबू हुरैरा बोले कि अली जब पुकार रहे थे मैं भी पुकार रहा था। अब इसकी तशरीह की मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन जाहिर है कि अगर कोई कुरान पढ़ रहा हो पुकार के और कोई आहिस्ता आहिस्ता उन्हीं आयतों को दोहरा रहा हो तो उसको ऐलान की शमूलियत तो नहीं कहते, कोई खास वजह होगी। बहरहाल इन्होंने इस मुदाखलत को लाजिमी जाना हदीस में, जब मैं भी ऐलान कर रहा था इसलिए कि तन्हा की आवाज पूरे मजमे के लिए काफी न थी, तन्हा की आवाज पूरे मजमे के लिए काफी न थी, अब एक मुस्तकिल तकरीर चाहिए कि इस तन्हा की आवाज कितनी दूर तक जा सकती है, कहां कहां गई है तारीख में इस अकेले की आवाज। मेरा मकसद नहीं है, पहुंचे अली, अब ऐलान शुरू किया, अब सारे उलमा का इत्तेफाक है। ये ऐलान इसलिए सुना रहा हूं कि हमेशा माह मुबारक रमजान में या और दिनों में कुरान मजीद की तिलावत करने वाले बिस्मिल्लाह के आदि जब इस मकाम पर पहुंच के बिस्मिल्लाह नहीं पहुंचते तो खुद ब खुद उनको ख्याल होता है कि मालूम नहीं क्या है काम है, तो अब जरा तवज्जो से पढ़ें, उसी सूरे को तवज्जो से पढ़ें। एक मरतबा खड़े होकर ऐलान किया उसी शान से, बरातुम मिन अल्लाह व रसूल, सबके सब हैरान, सबके सब हैरान। पहली मरतबा मक्के की तारीख, मेरे लफ्जों को गौर कीजिए, इब्राहिम अला नबी जना सलाम के बाद आज ये पहला है कि अल्लाह पर ही आए,
رسول مریم خبردار آج کے بعد کوئی مشرک خانہ کعبہ کے پاس نہیں پایا جائے گا پہلا اعلان پالیسی کا آج کے بعد کوئی مشرک خانہ کعبہ کے پاس نہیں پایا جائے گا یہ علی کی آواز ہے آج تک گونج رہی ہے کوئی مشرک خانہ کعبہ کوئی مشرک خانہ کعبہ کے پاس نہیں پایا جائے گا دوسرے کوئی مشرک خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرے گا کوئی مشرک مکے میں نہیں رہے گا اور جن جن سے معاہدے ہیں اربع عاشور چار مہینے کے لیے بس اس کے بعد چونکہ یہ معاہدے کرنے والے بار بار معاہدے توڑ چکے اب یہ معاہدے ختم ہو گئے اب ان کی جان مال عزت آبرو کا اسلام محافظ نہیں آج سے مشرکین مکے میں نہیں رہیں گے جھگڑا مول لیا نا کتنا بڑا رسک ہے اب پورے مشرکین کو چیلنج آواز جہاں جہاں جائے گی رسول مدینے میں اور بچا لیا ہے اپنے دوست کو کہ کوئی تم سے کہے تو کہے میری کیا ذمہ داری ہے جو اعلان کر رہا ہے اسے پوچھو ہوا یہی کہ ادھر اعلان ختم نہیں ہوا تھا ایک نے تلوار کھینچ کہا میں مشرک جی چاہتا تھا کہ جس کی طرف سے تو نیابت کرتے ہوئے یہ اعلان کر رہا ہے وہ سامنے ہوتا تو قتل کر دیتا علی کود پڑے کہا میں نائب ہوں حوصلہ نکال لے اور جیسے ہی علی آگے بڑھے وہ بھاگا اور مشرکین بھاگے علی کو جلا لائے مشرک جان رہے تھے فاتح خیبر بھی ہے قاتل مرحب بھی ہے عمر ابن عبدوس کو بھی قتل کیا ہے اسی وہ مشرکین سے کیا ماننے والا ایک بھاگا اور مشرکین بھاگے اور یہ کہتے ہوئے بھاگے یا علی مکہ چھوڑ دیں گے برات من اللہ ورسول اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آزان جب کبھی مصیبت آئی ہے رسول نے ہم کو ڈال دیا اس مصیبت اپنے عذاب کو بچا دیا اور کہا سنو رسول نے معاہدے کیے اب کوئی اپنے کیے ہوئے معاہدے پر ناز نہ کرے کوئی اپنے کیے ہوئے معاہدے پر ناز نہ کرے آج ذلحج کی 10 تاریخ ہے 20 دن ذلحج کے محرم کا ایک مہینہ سفر کا دوسرا ربیع الاول کا تیسرا ربیع الثانی کی 10 کو پورے معاہدات ختم تاریخ کا اعلان کیا کہ ربیع الثانی کی 10 کو سارے معاہدات کیے گئے ہیں سب ختم کتنی بڑی طاقت ہے فتح مکہ کچھ اور اعلان برات کچھ اور فتح مکہ وہ ہے کہ جب مکہ فتح ہوا جس نے ساری مصیبتیں ڈالی تھیں بدر میں احد میں خیبر میں خندق میں اس کو لے کے احباب آئے ابو سفیان قدموں پر جھک جاؤ ابو سفیان نے سر جھکا دیا رسول نے سر اٹھا کے سینے سے لگائے کہ اللہ تصریف علیکم یوم تم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں
یہ فتح مکہ ہے, یہ فتح مکہ ہے, معاف کیا, یہ برات ہے, اب معافی نہیں ہے. جاؤ اب مشرکین سب دشمن, اب مشرکین سب دشمن. اور اعلان کیا, سنو, آج کے بعد سے کوئی ننگا طواف نہ کرے گا. فائدہ یہ تھا کہ ایک چادر میں پہلے طواف ہوتا, اور اس کے بعد اگر کسی صورت وہ چادر بیکار ہو جاتی یا کوئی شک ہوتا یا کوئی گمان ہوتا اس کی نجاست کا تو چادر بھی اتار پھینکتے. برہنہ طواف, جیسے میں آج کے بعد سے خانہ کعبہ میں کوئی ننگا نہ پایا جائے گا, کوئی ننگا طواف نہ کرے گا. تاریخ کے دھارے پہ آواز دی, یہاں شہروں میں تو ننگے دکھائی دیں گے مگر کعبے کے پاس کوئی ننگا جا نہیں سکتا. یہاں ولایت صحیح, مجذوبیت صحیح, ولایت صحیح, جذب صحیح, مگر خانہ حق کے پاس نہ یہ ولایت چلے گی نہ یہ جذب چلے گا. مشرکین دشمن, اس کے بعد سے سب ننگے علی کا دشمن, سب ننگے دشمن. اب نسلن بعد نسلن جن جن کو روکا, سب برہنا, اب علی کو پسند ہی نہیں کرتے اس لیے کہ خانہ کعبہ کے پاس نہیں جانے دیتے ہیں. ظاہر ہے حکم خدا ہے, پوری تفصیل ہے کہ برہنا اور طواف کرنے والوں نے کہا کیا حکم ہے یہ؟ ارے ہم تو علائق دنیا کو دور کر کے طواف کر رہے ہیں, کپڑوں کی بھی ہم کو ضرورت ہے, ہم کو کپڑوں کی بھی ضرورت ہے. ارشاد تو میں حکم باری ہے, قتل کر دوں گا, قتل کر دوں گا. کہاں؟ جو جائے امن ہے قتل کر. ارشاد فرمایا مکے کے بیت میں, یعنی اس اتاق میں, اس کمرے میں کوئی مشرک قدم نہ رکھ سکے گا. آج تک کوئی جا نہیں سکتا, آج تک کوئی جا نہیں. ارشاد فرمایا کہ وہ معاہدے جو کیے گئے ان سب اگر کوئی آج اس پر نظر ثانی کرنا چاہے تو ایک ہی صورت ہے, اور وہ یہ کہ کلمہ طیبہ پڑھے, مشرک اسلام لائے, توبہ کرے, تو یہ خانہ کعبہ کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہوا, اور نہیں چلے گا. بڑی دیر تک خطبہ دیا, خطبہ دیا, بھائی بہت غور سے, اذان من اللہ و رسول, کفار کہنے لگے, کفار کہنے لگے یہ اذان ہے, یہ اذان ہے, یہ اذان ہے. اب جبنوں کو اذان نہیں کہتے, اب اس خطیب کو کہنے لگے یہی اذان ہے, یہی اذان. اور اس کے بعد امیر المومنین نے کہا انا الاذان, میں ہی اذان, میں ہی اذان ہوں, کچھ اور بھی کہنا ہے؟ کفار قریش گھبرا گئے, مشرکین قریش ہٹ گئے, اور امیر المومنین نے اپنا حق ادا کیا. تو برات کی آیتوں کا لے جانا کوئی آسان کام نہ تھا, یا آپ جائیں یا وہ جائے جو آپ میں سے ہو. برات کی یہ منزل, چونکہ اب اس کے آگے وقت نہیں ہے, اس کے بعد اب آپ پہنچے, اب ایک ہی سال رہ جاتا ہے, اس کے بعد مباہلہ, اس کے بعد مباہلہ, پھر وہاں بھی کوئی نہ جائے, بس دعا کی منزل ہے, بدعا کی منزل ہے. اب آئے تو سب آئے, وہ آئے کہ جن کے لیے امیر المومنین نے کہا فوقا بہم اصحابہ وقدم اہل بیت, اہل بیت کو ڈال دیا, اب سب کو پیش کیا, اب سب کو پیش کیا. اب تک اکیلے علی آ رہے تھے, فاطمہ تم بھی آؤ, حسن حسین تم بھی آؤ, علی تم بھی آؤ, اب ہم بھی جاؤ. دیکھو یہ وہ منزل ہے کہ جہاں ہم کو ضرورت پڑتی ہے مصیبت کی, ہم انہی کو لاتے ہیں, کوئی اور پریشان نہ ہو, کسی اور کی توہین نہیں ہے, حفاظت ہو رہی ہے.
हिफाजत हो रही है। हमने हिफाजत की, फकत इसलिए हिफाजत की कि बात मालूम नहीं इस्लाम की तारीख किस अंदाज का लिखी जाए। गुफ्तगू खत्म हुई। अभी तभी बीमार लुट के मदीना है, पहला खुतबा दिया, खुतबे के अल्फाज दिए थे, यूहन्ना अगर रसूल ये वसीयत करके मरते कि मेरे बाद जहां मेरे अहले बैत मिले उनको कत्ल कर देना, तो हम पे जो मुसीबतें पड़ी उसमें कोई इजाफा नहीं होता, कोई इजाफा नहीं होता। इन्हीं के लिए मुसीबतें थी, कहां कहां से आ रही थी, कहां कहां से आ रही थी। एक मुस्तकिल रिसर्च है कि यजीद के दरबार में कितने नसरानी उस वक्त बैठे हुए थे जो इंतकाम चाहते थे, कितने यहूदी बैठे हुए थे जो इंतकाम चाह रहे थे, कितने ऐसे अनासुर बैठे हुए थे जो ये देखना चाह रहे थे कि मोहम्मद का घर उजड़ गया। सबकी हसरत थी और सब देख के खुश होना चाहते थे कि हां बदला ले लिया, हां बदला ले। तो ऐसी मंजिल पर जब कभी अहले बैत का तस्करा होता है तो यह पस मंजर है, यह बैकग्राउंड है। इन बुनियादों पर गौर कीजिए कि खिदमत इस्लाम की क्या की और इनसे बदला क्या लिया गया, इनसे बदला क्या लिया गया। सुन चुके हैं आप, मक्तल में तो कोई तब्दीली नहीं होती। वालिया मदीना को सरकारी तौर पर इत्तला मिली 20 दिन के बाद हुसैन कत्ल हो गए। खत मिला कि वो काफिला जो मदीने से चला था करबला में लूट गया। खत को लेके वालिया मदीना कब्र रसूल पर गया और कब्र रसूल पर खत को फेंक के कहा, यौम उन बे यौम बद्र, आज हमने बद्र का बदला ले लिया, आज हमने बद्र का बदला ले लिया। सब मुसलमान हो गए थे ना, अभी क्या बदला है बद्र का। गुर्रे सफर को अहले बैत शाम के दरबार में पहुंचे, सरे हुसैन तश्त तिला में सर को देख के कहा, यौम उन बे यौम बद्र, बद्र का बदला ले लिया, बद्र का बदला ले लिया। कब तक जाएगा यह सिलसिला, के बावजूद न कभी रसूल पर उसने एहसान रखा, न इस्लाम पर एहसान रखा, न उसने कभी ये कहा कि ये सब कुछ हमारी तरफ से है, बल्कि अल्लाह रे शान तवाज़ो ये बार बार इस घराने को इसरार इसी पर था कि हमारा काम है सब्र, हमारा ऐलान है मजलूमियत। गुफ्तगू खत्म हुई। जिल्लत नहीं है मजलूम होना, मुसलमान समझ ले, रुसवाई नहीं है मजलूम होना। अगर जाकिर मिंबर पर यह बयान करता है कि किसी के बाजुओं में रस्सी बंधी, रुसवाई नहीं है। आबिद बीमार कहते हैं अम्मती मा हाजा रजाइन होना पल हाजा फजाइन होना, वो भी अम्मा ये हमारे लिए जिल्लत नहीं है, ये हमारी फजीलत है, ये हमारी फजीलत है। यहां तक पहुंची, अहले बैत पहचाने गए, दुनिया ने अहले बैत को पहचाना। खुदा करे कि मुसलमान समझ लें, मुसलमान याद रखें, मुसलमान ये पहचान लें कि आले मोहम्मद की खिदमात क्या हैं और आले मोहम्मद की कोशिशें क्या हैं। इसी मकसद को बतलाना था, बाहर मंजिल तबलीग, बाहर गांव तक, बाहर गांव तक।
अब दुनिया की कोशिश यह है कि कोई आले मोहम्मद को न पहचाने। शाम के बाजार में अहले बैत आ रहे हैं, पुकारने वाला काफिले के सामने पुकार रहा है, यह बागी है, यह खारिजी है, इसने बगावत की है, मुस्लिम बादशाह के खिलाफ इसने तलवार खींची। पहले शाम ईद मना रहे हैं कि दुश्मन मारा गया, दुश्मन मारा गया, और उसके बच्चे असीर करके लाए जा रहे हैं। अहले शाम पहचानते नहीं है कि यह कौन है, पहचानते नहीं है यह कौन है। और उसी शाम से सरे हमदर्द हुसैनी नायदे पर आगे आगे, और उस नायदे के साये में आबिद बीमा जंजीरों को संभाले और मुनादी निदा करता हुआ कि बागियों की सजा देखो। आखिरी जुमले साहिब तबकात इब्ने साद ने लिखा, सारी मुस्लिम तारीखों ने लिखा कि मस्जिद दमिश्क से एक बूढ़ा कूदा पोश कमर पर हाथ रखे हुए बाहर आया। पहले उस सर को देखा, फिर आबिद बीमार को देखा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी ख़ज़लकुम, उस खुदा का शुक्र है जिसने तुमको रुसवा कर दिया। आबिद बीमार ने कहा, तूने हमको पहचाना? कहा नहीं। कहा तूने कुरान में उस आयत की तिलावत की, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى؟ कहा हाँ। तूने उस आयत की तिलावत की, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम अर-रिज्स अहलल बैत? कहा हाँ। कहा तूने उस आयत की तिलावत की, वाअतज़ुल क़ुरबा हक़्क़हु? कहा हाँ। मगर इन आयतों से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? ये आयतें तो आले मोहम्मद के लिए हैं, इन आयतों से तुम्हारा क्या ताल्लुक? आपने इरशाद फरमाया, नहनु आले मोहम्मद, नहनो आले मोहम्मद, हम आले मोहम्मद हैं। तो बेख्तियार आगे बढ़ के कहा, बिल्लाही अंतुम हुम, तुम कसम खाओ तुम आले मोहम्मद हो। इरशाद फरमाया, वल्लाही नहनो हुम, अल्लाह की कसम हम आले मोहम्मद हैं। कहा तुम हुसैन हो? कहा नहीं नहीं, ये हुसैन का सर है। तुम कौन हो? क्या मैं उनका बेटा हूं अली? क्या ये बतलाओ नाकों पर कौन है? क्या ये मोहम्मद की लवासियां है जो फातिमा की बेटियां है? एक मरतबा कहा, फरजंदे रसूल, मेरी उम्र खत्म हो चुकी, मौला इतनी इजाजत दीजिए कि तलवार उठा के लड़ तो नहीं सकता, मगर इजाजत दीजिए कि यहाँ लेट जाऊं ताकि ये नाके मुझे रौंदते हुए था, और कयामत के दिन मैं अल्लाह के रसूल से ये कह सकूं कि मैं आपकी नवासियों को बेपर्दा न देख सका। एक मरतबा हम और तीन मरतबा सूरह इख़लास।